तो यार आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक वैलहैला डीएलसी के पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं फोर्थ लूप को, जिसके अंदर हमें पता चलेगा आइडेंटिटी उस बंदे की जिसने हमें इनविटेशन भेजा था। ठीक है, बेचारी सिग्रीन की वाट लगी पड़ी है, लेकिन भाई साहब उसने हमारी जान बचा ली, वरना लिटरली गॉड ऑफ वॉर बाय बाय हो जाता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं अपग्रेड्स वगैरह क्या कर सकते हैं हम। Well, that was altogether bloody terrifying. One moment I'm in a forest, the next I'm in a cage full of fire. You changed into Helios and back again. It was unpredictable. I'll say. I'm truly not sure if we've gone too far, or if we've come too far to stop. We are not stopping. I must face this. I know, brother. ठीक है, यहाँ कुछ और है नहीं, ये बस एक टैबलेट था जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी लेबर्स के बारे में, और मेरे ख्याल से आगे कोई अगर इन्फॉर्मेशन हुई तो वो इससे पता चलेगी। ठीक है, सो ये है टैबलेट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है टैबलेट ऑफ इन्फ्लुएंस। इसकी मदद से हम बेसिकली चीजें देखो, ये रहा लिवाइटन सॉरी डिवाइन ट्रायम्फ, यहाँ पे हम क्योस क्रेस्ट, लिवाइथन क्रेस्ट और ड्रॉपनी क्रेस्ट की मदद से डिवाइन ट्रायम्फ बना सकते हैं। ये हमारी बेसिकली बताएगा कि क्या हम ज़्यादा फ्लिटिंग एकोस से गेम शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम 300 है पॉसिबल, लेकिन उसके लिए डिवाइन ट्रायम्फ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा किसी चीज़ के लिए भी। उसके अलावा एक बार ये है मास्टरी सील स्पॉट इंक्रीज, मुझे पता नहीं था इनके बारे में बिल्कुल भी। सो ब्रॉडन चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मास्टरी सील्स फ्रॉम ब्रेकेबल पॉट्स, दीस रेयर पॉट्स एमिट अ ग्लोइंग पर्पल ऑरा एंड आर हिडन थ्रू आउट दीस लैंड्स, ध्यान रखना पड़ेगा फिर तो। उसके अलावा ऑफरिंग्स, ठीक है, वैली लो चांस ऑफ फाइंडिंग लाइट रूनिक अटैक्स लेवल 2। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सारा सीन है इसका मेन काम है हमें लाइट रूनिक अटैक और हैवी रूनिक अटैक स्टार्टिंग से लेवल 2 अगर मिल जाएंगे तो हमें बाद में अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, अपग्रेड करने के लिए लेवल 3 के लिए पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे बेसिकली अपग्रेड करने के लिए लाइट और हैवी रूनिक अटैक्स को इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, आप 100% कभी भी नहीं कर सकते इसके अंदर चांस का। उसके अलावा इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ग्लिफ्स सोल्ड बाय द टैबलेट ऑफ एंडेवर्स इन द लोअर रैम्स टू 2। हाँ, मुझे नहीं लगता अभी इसकी ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे पास कितने इस टाइप पे 315, देखते हैं एग्जैक्टली हम कर क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूँगा ज़रूर, ये काम आएगा हमारे स्टार्टिंग से, हम थोड़े बहुत अपग्रेड कर सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा देखते हैं हमने मास्टरी, तो बेसिकली अब देखा जाए स्पिरिट सील का हम इस्तेमाल इस टैबलेट पे कर सकते हैं, टैबलेट ऑफ इन्फ्लुएंस पे, टैबलेट ऑफ रिफ्लेक्शन पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं मास्टरी सील का, और यहाँ पे थोड़े बहुत और चीज़ें आ गई है। सो क्रिटिकल हेल्थ रीजन व्हेन क्रिटोस एग्जिस्ट कॉम्बैट विद क्रिटिकली लो हेल्थ ही रीजनरेट्स अप टू 10% फुल। एक्चुअली इस वाले में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हमें, और मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मैक्स आउट कर दूँ। हेल्थ लूटर क्रेटोस रीजन 3% ऑफ हिज हेल्थ व्हेन लूटिंग लेजेंडरी चेस्ट एंड रिफ्ट्स, ये भी मुझे चाहिए। डिवाइन ट्राइम की तो देखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग रिजरेक्शन स्टोन, ओके, स्टार्ट ईच अटेम्प्ट विद 1 रिजरेक्शन स्टोन। मेरे पास डिवाइन ट्राइम कब आया मुझे नहीं पता, शायद से मैंने जब सेकंड मेन क्वेस्ट कंप्लीट की होगी शायद तब आया होगा। स्टैट्स के अंदर सेम चीज, मैं इसके अंदर इस पर फोकस करना ज़्यादा चाहूँगा, रीज़न बींग ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है एक रिजरेक्शन स्टोन आगे चल के, ताकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उसके अलावा यहाँ पे 4 डिवाइन ट्रायम्फ चाहिए हमें,
भाई साहब, टू रिजर्वेशन स्टोन्स के लिए। उसके अलावा शुरू मैं करना चाहूँगा 3% ऑफ हेल्थ, और यहाँ पे ठीक है देखा जब सारे ही वन हो चुके, लेवल वन पे आ चुके सारी चीज़ें, जो जो हमारी वही टैबलेट ऑफ रिफ्लेक्शन पे चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं कर सकते अभी हम यहाँ पे, चलते आगे। और यहाँ पे अभी ठीक है, शील्ड जो है इस टाइम पे मैं नहीं, ये नहीं लूंगा मैं। हाँ एक चीज है, जैसे जैसे हम पूरा करते रहेंगे हर एक लूप को, वैसे वैसे हमें मास्टर सील समय एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा उस पर्टिकुलर लूप को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं इस वाली पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए शटर स्टार शील्ड का इस्तेमाल करूंगा। रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। A memory of your past made manifest. A dangerous memory. मुझे थोड़ा याद आ रहा है इस स्वॉर्ड के बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, और उसके बाद यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेज बाय पेरिंग अटैक्स विद L1 एंड किलिंग एनिमीज, एग्जिट दिस स्टेज बाय यूजिंग द कमांड अगेन। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ लेगेसी का इस्तेमाल करने की, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बेनिफिट नहीं है, वैलर पे रखेंगे हम खुद को। मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट होने वाली है, और मुझे उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेम चीज़ ब्लेड्स ऑफ क्योस पे हम फोकस करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं एक बार दोबारा से याद कर लूँ, मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया इस बार इनका। ठीक है, सो R1 होल्ड, R1 R2 होल्ड R2, और यहाँ पे डॉज वाले हैं ये, यहाँ पे रनिंग वाला है ये, यहाँ पे R1 होल्ड करना है और यहाँ पे R2 होल्ड करना है, और ये है इस वाले का मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पांच बार R1 और फिर R2, फिर ये मुझे पता है इस वाले के अंदर ये मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया है, इस वाले के अंदर ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, ज़्यादा चॉइसेस नहीं है इस वाले में हमारे पास। इस बार मैं ट्राई करना चाहूंगा यस, ठीक है मुझे इमोलेशन मीटर दिख गया है, अब मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा सारा। अच्छी बात है हमारे पास इस टाइम पे ब्लेड्स ऑफ क्योस हैं। चलते हैं आगे। एक सेकंड, एक चीज चेक करनी मुझे बस। ठीक है चलते हैं। ओके, इमोलेशन नहीं, इमोलेशन मीटर नहीं है ये, एग्जैक्टली है क्या? होल्ड R2, ठीक है समझ गया, चलते हैं। ये मेरे ख्याल से चॉइस है हमारे पास, रूनिक अटैक ग्लिफ या फिर पर्क ग्लिफ, या फिर दोनों ही है। दोनों ही शायद से, और इधर नहीं, हमें ये चाहिए, और इस वाले के अंदर। ओके, सो गोल्ड पर क्लिफ,
ठीक है, सो ये बहुत ही रेयर है जो गोल्ड पर्स है, आई थिंक ये बेस्ट वाले हैं। और मेरे ख्याल से स्टन डैमेज इंफ्लिक्टेड मैं बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है आ जाओ। वैनाहाइम सेंचुरी। ब्रदर, आई बेग यू नॉट टू रिमेंबर द एक्सप्लोडिंग प्लांट्स। ठीक है। What did you say about a forest? You remember being elsewhere when Helios took your place? Aye. Yes, I didn't mention that while we were plummeting, but yes, I was in a forest, much like that of my youth. Back on my old body, too. It was a bit dreamlike, to be honest. Do you wish to return there? I can't say I don't. I'm concerned, but I'm more than curious. Guess my memories are fair game in here as well. Don't suppose they'll just stick to the pleasant ones, will they? Unlikely. ठीक है, एक बार बस मैं चेक कर रहा हूँ सारा का सारा एरिया क्या है पूरा का पूरा। अच्छा, अब हमारे पास चॉइस है। सो आइटम आइकॉन ग्लॉसरी। ठीक है, सो जैसे कि ट्रेवल मास्टरी, ये अलग अलग हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिव्स। तो अलग अलग गेट्स को खोलने पे हमें ये हम पूरा कर पाएंगे इस वाले ऑब्जेक्टिव को अडेप्टेबिलिटी के अंदर। उसके अलावा और कोई तो नहीं, अडेप्टेबिलिटी नहीं है सर। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी बस देखा जाए फ्री का हमें वो देने का है रिवॉर्ड्स वगैरह, और हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें वो ये है। मेरे ख्याल से ये स्टैट्स रिलेटेड है ये वाला, और मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वाले को। और ये है, ठीक है, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसका। इन दोनों की अभी मुझे ज़रूरत है नहीं लिस्ट के अंदर। यहाँ पे ठीक है, मैं अपग्रेड करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके अलावा ये है वेपन ग्लिफ। वेपन ग्लिफ मुझे एक्चुअली इस टाइम पे नहीं चाहिए, मैं स्टैट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहूँगा। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। फोर्थ लूप तक मुझे सारा पता है, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता। ये फोर्थ लूप है, इसके बाद से बेसिकली अगली वीडियो से मैं मुझे कुछ भी नहीं पता। आप देखेंगे क्या होगा उसके बाद। ये कौन सा था? जी हाई स्टैट्स क्लिप सी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एनिमीज के बारे में, अब अरे यार आ जा, मैं भूल ही गया था इस वाले के बारे में। खैर छोड़ो, आ जा आ जा। आ जा आ जा आ जा। चल चल चल, बाय बाय, खत्म। एक है, उप्स। आ जा, आ जा। आ जा। नाइस। बेसिकली हमें चूजन वन को दोबारा से ढूंढना है इस टाइम पे, ताकि हम आगे असेंडिंग सेंस के थ्रू वापस से हीलियोस वाला सेक्शन स्टार्ट कर सके। बाय बाय। एमोलेशन वापस फुल हो चुका है हमारा, और आगे चल के इस्तेमाल करेंगे उसका। ये रही हेल्थ हमारी। यहाँ कुछ टूटने के लिए है क्या? नहीं।
स्टैट्स हमें क्या क्या मिलेंगे ऑप्शन के अंदर, डिफेंस या स्ट्रेंथ? मैं कूल डाउन पे ज्यादा फोकस करूंगा इस वाले में। चलो ठीक है। सो एल्कोव ऑफ दी फेरिंग, ये कोई नया एरिया दिख रहा है मुझे, मैं इस एरिया में पहली बार आया हूँ। नहीं यार शायद मैं आ चुका हूँ, मुझे लग रहा है मैं आ चुका हूँ। ये शायद से रेज हमारा मैक्स आउट है, रखे रहने देते इसको स्टैट्स। हाँ जी हाँ, मैं इसको करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास अभी हम इसको मैक्स आउट कर सकते हैं हेल्थ को। प्रोटेक्टिव मोमेंटम एंड कंटेजियस डिस्चार्ज, ओके। और उसके बाद हाँ, ये एक्चुअली काफी बढ़िया है, ये हमारे काफी काम आएगा शायद से, सोचने दो। बायफ्रॉस्ट भी इसमें है ना? हाँ काम आएगा ये। और ये क्या है? रेज, जी हाँ काम आएगा हमारे। ब्लेसिंग ऑफ डिफेंस और ब्लेसिंग ऑफ फॉर्च्यून, आज बस स्ट्रेंथ रखते हैं। उसके बाद और अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है नाइस। चलते आगे, ब्लेड्स ऑफ क्योस भी ध्यान रखें, फोकस रखेंगे हमारे इस रन के अंदर, उसके बाद आगे जाके दूसरों पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ और कुछ अभी नहीं कर सकते हम। मेरे ख्याल से बाद में इस गेट को भी खोला जा सकता है शायद से, ठीक है। वहां पे आगे जाने से पहले मैं यहाँ नीचे एक बार देखना चाहूंगा एरिया को। हम काफी क्लोज है इस टाइम पे, यहाँ कुछ छुपा हुआ है? नहीं। चलो ठीक है। और हमारे पास एक है फ्लीटिंग एकोस पाने का तरीका, और दूसरा है हमारे पास ऑप्शन मिक्स्ड सील्स। उससे पहले एक बार इसको एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ आगे कुछ है? नहीं। ओके जैसे कि मैं कह रहा था, ये देखो अभी हम इसको हमें चूजन उनको हराना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो सेंचुरी नहीं, उसको क्या कहेंगे बेसिकली, असेंडिंग सैंड्स कार्ड को हराना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम ये कर पाएंगे। We could use some limited time assistance, couldn't we? नहीं, नहीं, इसकी जरूरत है क्या? नहीं अभी जरूरत नहीं है मुझे, चलते हैं। वैसे भी हमारे पास रिजरेक्शन स्टोन है एक, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं हम। चलो चलो दौड़ते हुए चलो। एनिमीज कहां पर है ये देखना पड़ेगा। नाइस, ठीक है। अगला आ जा तू भी आ जा। ओके
अरे सर आप कहाँ भाग रहे हो? उप्स, अरे यार इमोलेशन हमारा हो गया था मैक्स आउट। ओके क्या हम, अरे भागे जा रहे हैं तुमसे। आजा आजा आजा, और आजा। डन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ और कुछ? हाँ हेल्थ है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे जो काम का होगा? वैसे देखा जाए पॉट्स वगैरह में बिल्कुल भी नहीं दिखे मास्टर सील वाले, अभी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, देखना पड़ेगा। नाइस, प्लस 200 काम आएगा। चलो चलते हैं एस्गार्ड सैंक्चुरी। About that image of you in the shrine we keep seeing. If Valhalla keeps pulling it out of your head, it must have some significance to you. Could it be that the idea of being loved and respected is a fair mite better than the alternative? Now hear me out, and it's not as though I'm the smartest man alive or anything, but don't you think joining Freya's council could put you in a position to walk that path? To earn that path? Well, that would be a poor reason to accept. Ambition is poison. ठीक है इस वाले को लेते हैं। स्पिरिट सील, क्या बात है, एक बार मैं ऊपर चेक कर लूं बस कोई ऐसा चेस्ट जो हमारे काम आए। नहीं, चलते आगे। मैं इस वाले में इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा क्योंकि आगे की फाइट्स काफी डिफिकल्ट होने वाली हैं। हमें रेज या हेल्थ दोनों ही बढ़िया है मेरे लिए तो। चलो आओ, आजा आजा आजा। नाइस, देखा, आजा। मैं धीरे धीरे पैरी को ला रहा हूं अपने उसमें। बाय बाय, ठीक है। इमोलेशन हमारा मैक्स आउट हो चुका है जो अच्छी चीज़ है। उसके अलावा स्टार्टिंग से अगली फाइट के अंदर हम इमोलेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो था, हाँ यहाँ पर आगे हेल्थ है। पहले हेल्थ लेते हैं फिर देखते क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बार देखना पर्पल पॉट दिखता कैसा है, उसका समझ में आ जाएगा मुझे। और इसके बाद बेसिकली ये जो है ना स्कल वाला, इसका मतलब ये है कि अब हम वैलहैला सूजा वन से लड़ाई करने वाले हैं। ठीक है चलते हैं। हाँ हेल्थ रिस्टोर मुझे नहीं चाहिए, पे काम आएगा नहीं आएगा। स्ट्रेंथ, तैयार हैं, सब कुछ मैक्स आउट है, चलते हैं। आ जा, आ
ये क्या? अरे ऐसे कैसे हम जाने देंगे आपको? और कोई? ये रहा। ठीक है मैं समझ गया। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आ जा। आ जा। आ जा आ जा आ जा। बाय बाय। नाइस। ये लेते हैं। अगली बड़ी फाइट होने वाली है, उससे पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ कुछ है क्या। नहीं है। देखते हैं, अगर हेल्थ बूस्ट मिल जाए तो बढ़िया है, वरना कोई नहीं। ओके सो हमें वेपन ग्लिफ्ट मिला है इसके अंदर। ये वाला लेते हैं। चलते हैं, एक और फाइट होने वाली है बढ़िया। उससे पहले अगर मुझे कुछ उससे पहले एक बार मुझे बस चेक करना है कि यहाँ पे कोई चेस्ट वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद टैबलेट ऑफ एंडियरमेंट पे मैं शायद से हेल्थ पे फोकस कर सकता हूँ, या रेज पे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली हेल्थ को छोड़ के रेज पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा फोकस। मुझे कोई भी चेस्ट नहीं दिख रही, लेकिन एटलीस्ट टैबलेट ऑफ एंडियरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ओके अब इसको मैक्स आउट करते हैं, हेल्थ को करते हैं, यहाँ पे माइनर रेज खरीदते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ खरीद सकते हैं, टेम द बीस्ट। जरूरत पड़ेगी या मैं इकट्ठा बचाऊं उसको थोड़ा सा। मेरे ख्याल से इसको मैं ले सकता हूँ, काम आएगा। ठीक है हम तैयार हैं बड़ी फाइट के लिए। आ जा। आ जा आ जा आ जा। नाइस। आ जा। नाइस। आ जा आ जा। कोई बात नहीं। आ जा। ठीक है अब। आ जा। बाय बाय। सो ड्रेकी के बाद, अच्छा ठीक है समझ गया, इस सेंचुरी के इस बेसिकली मेन एनिमी को हराने के बाद हमें डिवाइन ट्रायंफ मिलता है,
उसके अलावा ये देखो ये वाला, आई नो मेमेर फील्स मच गिल्ट फॉर द डैमेज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रैकन इनटू स्वॉटल फाइव. अच्छा तो ड्रैकन स्वॉटल फाइव में मेमेर लाया था. इट मेड एनफ ऑफ अ मार्क ऑन मी दैट आई सीम टू कैरी द गिल्ट इनटू वल्हेला. विदाउट यू द फाइट इज हार्डर बट अ वे ऑफ फिनिशिंग द बीस्ट टुगेदर इज व्हाट आई मिस मोस्ट. ये किसके बारे में बातचीत चल रही है मुझे नहीं पता. ठीक है नाइस. यहाँ बाय चांस कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं. अब यहाँ पे हेल्थ हेल्थ रिस्टोर चाहिए भाई हमें. ठीक है अगला जो है वो है रेलिक चार्जेस. ठीक है सो बेसिकली क्या सीन है हमारा कि यहाँ पे ये नहीं है कि अपने आप क्या कहते हैं कूल डाउन उतरेंगे, ऐसा नहीं है. आपको हर थोड़ी देर बाद बेसिकली आपके लिमिटेड चार्जेस, मतलब कि आप 7 बारी इस रैलिक का इस्तेमाल कर सकते हो और इस वाली का आप इस्तेमाल सिर्फ 1 बारी कर सकते हो. लेकिन आप इन चार्जेस को रिफ्रेश कर सकते हो टैबलेट ऑफ एंडियरमेंट पे. ठीक है उसके अलावा नहीं. ये वाला हेल्टॉस कॉफनंग नाइस. हमें मास्टरी सील मिली. अब आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ लूप से मैं एक्स पे ज्यादा फोकस करने सोचूंगा. They must keep the primordial realms up here on the top shelf. Come back to that image of you on the shrine. I'll grant you ambition can be a poisonous motive, but your ambitions are only to help people, not for your own glory, right? The world a better, safer place. I think maybe that image of you is symbolic of your desire to walk a righteous path. Alhalla's little signpost. You are sure accepting Freya's offer is the right thing for me, or for the realms? I think we are here to make sure about that, one way or the other. ठीक है और अब यहाँ पे टैबलेट ऑफ एंडियरमेंट का इस्तेमाल करते हैं और मुझे ब्लेड्स अट्यूनमेंट से पहले क्योस क्रेस्ट सोचने दो जरा. हाँ ब्लेड्स अट्यूनमेंट हमारे किसी काम का नहीं है और अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं है. सर्वाइवल देखना पड़ेगा तो फिर हम चलेंगे यहाँ पे खरीदें क्योस क्रेस्ट को. A crest symbolizing a chosen path, it can be used to purchase greater rewards or combined with other crests to obtain divine triumph. अच्छा तो हम crest के इस्तेमाल को चीज़ें खरीदने के लिए भी कर सकते हैं जो शायद से हमें अभी तक अवेलेबल नहीं हुई हैं. हमारे इस टाइम पे हमारे पास रेज नहीं है तो रेज मैं खरीदना चाहूँगा. रेज है नहीं है जा चुकी रेज. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके हम पास में ही है. चलो कुछ कहो भाई. गॉड ऑफ वॉर का सिनेरियो अलग लेवल का है. आ जाओ आ जाओ पहले तुझे ही मारते. बाय बाय. ये भी गया. और कोई नहीं. अगला एरिया ये थोड़ा फाइट का एरिया चल रहा है इस टाइम पे देखा जाए तो. यहाँ पे और है मैं जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया. ठीक है आगे बढ़ते हैं. वापस से हम इधर आ गए हीलियोस वाले सेक्शन पे. अब देखते स्टार्टिंग से करना पड़ेगा या कैसे. ah, we're up by those statues now.
judges, did you say? Perhaps the higher planes of Valhalla correspond to the deepest reaches of your memory. ठीक है, कुछ जगह मेमोरी ना बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा दिमाग वाला बंदा है. ठीक है, जो हमने पहले ग्रीक म्यूजिक शुरू हो गया, जो हमने पहले स्पीयर का इस्तेमाल किया था, स्पीयर अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो ऐसा नहीं है हर एक चीज रिसेट हो जाती है. हेलो, मी अगेन. आ गया. I must kill you. Make yourself useful. Say what you see in battle. Aye, aye, asshole. यहाँ पे choice regarding your fate must be nice. Relic recharge यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है. हाँ, खैर अभी छोड़ते हैं इसको. मेरे ख्याल से हेल्थ खरीद सकते हैं हम. उससे पहले एक बार ये सबको लेते हैं. ये गया. ठीक है, अब ये क्या है? 250 फ्लीटिंग एकोस हमारे पास है ही नहीं स्टैट्स बढ़ाने के लिए, और ये 500 फ्लीटिंग एरो से भी नहीं हमारे पास. और हेल्थ, मैं एक हेल्थ बूस्ट लेना चाहूंगा इस वाले के लिए. जरूरी है या नहीं है? ओके, हेल्थ बूस्ट का नेक्स्ट लेवल आ गया, हेल्थ बस्ट. और एक है रेज बस्ट, जिसके अंदर हमें स्पिरिट सील खर्च करनी पड़ेगी. हाँ, अभी के लिए तो ये लेते हैं, आगे सोचूंगा लेने की जरूरत है कि नहीं. नाइस, मैक्स आउट कर दिया है, चलते हैं. They locked you out. Guess we better poke around the old neighborhood. ये थोड़ा सा बड़ा सीन है, ये समझ लो कम से कम 10-15 मिनट इसमें लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में, और हमारे पास टाइम लिमिट कम है. ठीक है, सो बेसिकली हमें वैलहाला के 3 चूजन को स्लेन करना है, मारना है. लेकिन बात ये, कई सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो 3 से ज्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं. लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था, मैं 5 तक पहुंच गया था और मैं खो गया था, तो मुझे 5-6 मारने पड़ गए थे. और जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम खत्म होता चला जाएगा, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो स्पीड से दौड़ दौड़ के काम खत्म करना पड़ेगा. चलो चलो चलो. Floating eyeball tentacles? No, no to this. ये गए, आगे बढ़ो. पहला ही ये वाला. This one looks easy. Easy is what we're all about. अब आ. Don't worry, Kratos. None of these foes are real. Though they do. आ जा. Thought you'd want to know. स्पीड से हमें हराने हैं. बाय बाय, आगे बढ़ते हैं. ओके, हमें बेनिफिट मिला है, कूल डाउन या फिर ऑनर ऑफ द फॉलन. नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आगे बढ़ते हैं. अगला गेट हम कहां से आए थे? इस वाले पे चलते हैं. ओ, हेल्थ इसकी जरूरत थी. यहां से फिर शायद इस साइड पे वेपन ग्लिफ्स. ओके, सो लोअर चांस टू ग्रांट अ रेज बस्ट ऑन एनी ऑल्सो इंक्रीज डैमेज दैट द ब्लेड्स बर्न स्टेटस इफ्लिक्ट्स. अभी के लिए ये वाला रखते हैं. चलो चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट एक और मैं मारना चाहता हूँ अगले डिफिकल्टी शुरू होने से पहले. अरे यार, यहाँ नहीं है. इस वाले पे
ये रहा एक और। बेसिकली आप कलर से एनिमीज को पहचान सकते हो कौन से। चलो आ जा। आ जा। बाय बाय। चलो अगला। नाइस, हमने दो खत्म कर दिए, एक और चाहिए बस हमें। और ये क्या है, ये वाला रखते हैं। बेसिक स्टैट्स की हमें काफी जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें इतनी जरूरत नहीं है हमें। Okay. Great job not hurrying. You do like your fights tougher after all. ये क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, वो रेक। ओ ये वाला। Did you need any primitive armed ruffians? आ जा। Ruthless as ever. मैं भूल गया एग्जैक्टली मैं इससे कैसे लड़ूंगा। दौड़ो यहां से। Behind you, incoming. ये क्या? अब निकलो यहां से। आ जा। बाय बाय। दौड़ो। हो गया और हमारे पास सिमुलेशन भी आ गया। नाइस। हाँ लेकिन मुझे अब ढूंढना है कि एग्जैक्टली लोकेशन का है क्या। ओके सो पावर ऑफ द एम्प्रेस। और ये क्या है? नहीं मैं अभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहा इसका, ये इस्तेमाल करते हैं। ओ प्लस 241। अब लोकेशन क्या था? अब हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और एनिमीज को हरा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। तो मैं बस ढूंढूंगा, मैं नए वाले को चालू नहीं करूंगा क्योंकि तो आगे मुझे पता है फाइट कितनी मुश्किल होने वाली है। इस साइड था? नहीं। Only getting harder as you delay, Kratos. Right side, incoming. ठीक है ये क्या? ये क्या? वहां से ऊपर? यहां से नहीं है रास्ता। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी खो गया था। एक सेकेंड, शायद उस साइड पे जाना है हमें। फिर यहां से इस साइड, यहां से इस साइड नहीं। यहां से इस साइड ट्राई करते हैं और यहां से ऊपर, वहां से सामने जाना है हमें।
अरे यहाँ तो वापस से इधर ही आ गए। ठीक है शायद से इधर से उधर जाना पड़ेगा हमें। भाई साहब बड़ा कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट मुझे कुछ चाहिए इंडिकेशन, मुझे इंडिकेशन चाहिए भाई। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे है नहीं। Friendly reminder, your foes are getting stronger the longer you fiddle around. पता है भाई, अरे ऊपर चढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं। हेल्थ थैंक यू। वो रहा, पहुंच गए। स्टैट्स के अंदर डोंट हरी अप एंड मेक अ डिसीजन ऑन माय अकाउंट। स्माइल करूंगा मैं। वैनिर पॉइजन, और हाँ ये एक्चुअली काम आएगा। अगला यहाँ पे हेल्थ की हमें जरूरत है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। हमारे पास रिजरेक्शन स्टोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। और अपडेट्स के अंदर कुछ करना नहीं है। ग्लिफ्स के अंदर मैं ग्लिफ ले सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है कोई इशू नहीं है। रैलिक रिचार्ज की हमें जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। चलो पंद्रह मिनट स्पीड से काम करने पड़ेंगे। Heading back to the cage, are we? This Valhalla is giving me a second chance. ठीक है, रेंज पूरा मैक्स आउट करके चल रहे हम। Well, now it's a party. पहले इस वाले को हराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। No, don't tell me. ये तो बहुत टाइम बाद देखा ऐसे चढ़ने का। चलो ओ नाइस। Maybe it only counts as a sacrifice if you give up someone you value. I think we all okay. You'll never guess their weak spot. Ajo. Bring the tether quickly. Long weapon, man. Ho gaya. अरे यार आ जा। हो गया नाइस डन। हो गया आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है अभी, हमें फोर्थ लूप कंप्लीट करना ही करना है इस वीडियो के अंदर। लेट्स सी व्हाट ब्रिलियंट मूव यू थॉट ऑफ। Kratos, surely you're not supposed to. You know what? Definitely. I'd like to see this. Ah!
Father? Oh, where are we now? Tia! The invitation was yours. I would have signed it, but it was important you come here for your own reasons. Then you're not an illusion. You're in the flesh, old friend. What do you want? I know what you're wrestling with, Spartan. I understand it better than you realize. The shame. The doubt. The question. I could find no answer for until I came here. Lifetimes ago. Stepped through that door. What is in there? Oh. I'm not here to spoil that for you. Only to help you prepare. Why? Because I can. Because for us, fighting occupies the body, while our minds work out the rest. Because you're not ready. Yet. जी हाँ, हम टिया से लड़ाई करने वाले हैं। I'm sorry. Why exactly are you attacking us? Consider it a kind of trial by combat, Lemire. When Kratos can get the better of me, we'll know his mind has done the work. Chalo. Defend yourself. Peeche hato. Ab aa ja. Okay, ab. There's the fire. Good, Kratos. कोई नहीं, the valor to go the distance, I hope. Arms up. आजा. एलिमेंटल स्टॉर्म चल रहा है इस टाइम पे. अब A man at war with himself places a deficit upon his focus. He is impatient, emotional, easily surprised. A man at one with himself has a clearer mind. Tier हमें train कर रहा है इस टाइप से. और भाई क्या जबरदस्त fight हो रही है. That man is ready to progress. Okay. और कौन है? आजा. कोई नहीं, आजा. अरे ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? पीछा टो. अब अब आजा. कोई नहीं, अब वेल डन क्रेटोस, आई यील्ड. Good then. Perhaps you are ready now. Am I? Honestly, nobody can truly say that but you. जी हाँ, टीयर था वो इंसान जिसने हमें यहाँ वेलहेला में बुलाया था ताकि हम अपने अंदर के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सके.
और देखा जा सकता है, अगर तुम यहाँ डायरी में भी पढ़ो, साफ दिखता है कि क्रेटोस कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है टियर को. टियर हैज बीन रिवील्ड एज हैविंग सेंट मी द इनविटेशन टू वेलहेला डिस्पाइट माई इनिशियल डाउट्स. आई डू नॉट क्वेश्चन हिज इंटेंशंस. ही कीप्स ही फील्स अ किनशिप टू विद मी एंड ओनली विशेस टू हेल्प मी फाइंड अ पाथ. ही इज अमंग द मोस्ट फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स आई हैव एवर फेस्ड एंड आई फील माई स्किल्स ग्रो. बट हिज इनसाइट इन टू माई स्ट्रगल इज जस्ट इज वैल्यूएबल. आई नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट हैंड वाई ही वॉज सो बिलवड इन इस टाइम. भाई कुछ भी कहो, टीयर एक ऐसा बंदा जिससे ना लिटरली दिल से रिस्पेक्ट आती है जिसके लिए, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे एक हेल्थ थी जो नहीं है. अब टीयर से हम बातचीत कर सकते हैं? नहीं, 4 मिनट है, स्पीड से करते कंप्लीट. ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या अनलॉक कर दिया हमने, ठीक है. सो की आइटम्स अगर तुम देखोगे, सेंचुरी बैरियर की, जो भी हमारे सेंचुरी, बेसिकली सेंचुरी के अंदर जो जो हमारे वो है ना बैरियर्स, उनको हम हटा सकते हैं. अभी सिर्फ एक ही बैरियर से हटा सकते हैं हम, लेकिन आगे और एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है. ये सब तो बेसिक चीजें हैं. उसके अलावा स्टोन टैबलेट्स के अंदर और आ गए हैं, टैबलेट ऑफ इन्फ्लुएंस, टैबलेट ऑफ रिफ्लेक्शन, टैबलेट ऑफ एंडेवर. और उसके अलावा गोल्स के अंदर हम देखेंगे. लेबर्स तो अपने चलते ही रहते हैं, कोई इशू नहीं है. और यहाँ पे मास्टरी के अंदर अब और आ गए हमारे पास. हमें बेसिकली टीयर को हराना है, बेसिकली अलग अलग तरीकों से. और स्टैट अपग्रेड मास्टरी 2 भी आ चुकी है हमारे पास. और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ये पता है हमें, ये सब ठीक है. सेक्रीफाइस मास्टरी ओपन, सेक्रीफाइस चेस्ट, हमें अलग अलग सेक्रीफाइस चेस्ट खोलनी पड़ेगी, ग्रीक चेस्ट खोलनी पड़ेगी. उसके अलावा ट्रायल मास्टरी हम चल ही रहे हैं. अनलॉक ऑल रेलिक्स हमारे, हमने अभी अनलॉक का मतलब ये कि हमने इस्तेमाल किया उन रेलिक्स का. और रिचार्जेस अभी तक हमने एक बार भी नहीं खरीदे हैं, ठीक है. वेलहेला के अंदर हम ऑलरेडी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, ये सेकंड वीडियो में, और ये थर्ड वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद स्किल्स वगैरह हम धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सभी को अच्छे से सीख के सबको अप्लाई करने में सिचुएशन वाइज. उसके अलावा यहाँ पे वापस हम रीसेट कर चुके हैं, आगे देखते हैं और कुछ कर सकते हैं आधे एक मिनट के अंदर. द साइकिल न्यू इटर्नल लेबर अनलॉक्ड. द साइकिल दिस लेबर रिवॉर्ड्स डिवाइन ट्रायम्फ एंड रीसेट्स एवरी टाइम यू डिफीट टियर. द साइकिल कैन बी फाउंड इन गोल्स अंडर लेबर्स. प्लीज प्रेस डैश टू एक्सेस द मेन्यू. ठीक है, यहां बातचीत कर सकते हैं? नहीं, यहां पे हमने ये अनलॉक कर लिया है. डन. एक बार मुझे स्पीड से देखने तो बस, कि और कुछ बचा तो नहीं है जो मुझे किसी से बातचीत वगैरह करनी हो. बाकी चीजें तो फिर मैं अब बाद में ही करूंगा. ये बाद में करेंगे हम. ओके, सैंग ठीक है, हम इनको खरीद सकते हैं, बाद में करेंगे अब, ठीक है. तो यार इसी के साथ इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूंगा अपने चैनल पे, तो भी उन्हें जरूर चेकआउट करना. और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है, उसका जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो. तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा.